कानपुर से 8 बार विधायक बने सतीश महाना को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। कानपुर की जनता इसे किस तरह से ले रही है और क्या उन्हें उम्मीद है कि सतीश महाना विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो काम क्षेत्र के लिए करते आए हैं वो होंगे अथवा नहीं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाऊ जी आपका? मेरा नाम विजय अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि महाना जी 8 बार के MLA हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष के पद पर अब बैठाया जा रहा है। किसी ना किसी को तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बैठाना था। इतने जो अनुभवी विधायक हैं तो मेरे ख्याल से उचित ही रहा, किसी ने किसी को बैठाना था तो उनके लिए योगी जी ने उचित समझा होगा तो उनको बैठाला है। आपको लगता है कि विकास के कार्य जो लगातार गति मिल रही थी चलते चले जाएंगे? पूरी पूरा प्रयास करेंगे। देखिए वो अपना महाराजपुर क्षेत्र के विधायक थे, कानपुर पूरा ध्यान रखते थे, इधर कैंट तक इधर आ जाइए, इधर तक आ जाइए, सब पूरा जो शहर के लिए और जो विकास के लिए उन्होंने बहुत काम करा है और अभी निरंतर जारी रहेगा। वो मुझे पूरी उम्मीद है। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, क्या हो सतीश महाना को अध्यक्ष बना दिया गया है तो कानपुर का विकास रुक तो नहीं जाएगा? ये जो योगी जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ सोच विचार के ही किया होगा। ये ऐसा नहीं किया होगा कि मतलब उनको हटा दिया और दूसरे को रख लिया है, इसलिए जो भी योगी जी कर रहे हैं सब अच्छा ही है। अच्छा, औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक विकास मंत्रालय संभाल रहे थे, अब अध्यक्ष के रूप में बैठेंगे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा? महाना जी के बिहाफ पे जो काम यहाँ हो सकता है वो जरूर करेंगे, चाहे वो किसी पोस्ट पर हैं। आज वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर ही होती है देखा जाए तो उनके पास जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब उनके अंडर ही में रहते हैं वैसे तो। और लेकिन हाँ, जो हाथ में कलम होती है उसके बाद दूसरी होती है, किसी से कहीं के कराना एक दूसरी बात होती है। प्रयास ये पूरा करेंगे, लेकिन कानपुर के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ एको मंत्री इन्होंने नहीं दिया नगर को। ये जरूर देना चाहिए था कि कानपुर इतना बड़ा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी है, वैसे भी कानपुर बड़ा शहर है, तो मंत्री तो यहाँ मिलना ही चाहिए था। ये इनकी कमी रहेगी कानपुर के लिए, मंत्री नहीं मिला। भैया, क्या महाना जी जिस पद पर बैठ रहे हैं उससे विकास की गंगा बहती रहेगी कानपुर क्षेत्र में? क्यों नहीं बहेगी भैया, अच्छी तरीके से बहेगी। महाना जी 8 बार के विधायक रहे, उसके बाद विधायक रहने के बाद भी देखिए इतना काम होता रहा शहर में, पुल का भी उद्घाटन इन्होंने किया, और जबकि आने के बाद सरकार आने से पहले ही कह के गए थे 11 तारीख को उद्घाटन होगा पुल का, और हुआ उससे। अच्छा, उद्यमियों की दिक्कत तो नहीं होगी? उद्यमी काफी खुश रहे, प्रसन्न रहे उनसे? सब रहेंगे भैया उनसे तो, हर व्यापार का भी आदमी, शुद्धवादी आदमी, सब खुश रहेगा उनसे। कानपुर के लोग हैं, उनको उम्मीद है कि महाना जी भले ही विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित करने जा रहे हों, लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, कानपुर में विकास की गंगा बहती रहेगी, कानपुर में विकास काम रुकेंगे नहीं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।